अरे तुम सैड हो, रुको ये लो एनीमे देखो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। चार्ली उसे नीचे उतारो, वो घर जलने वाला है। मुझे लगता है वो वहाँ पे भी अपना एनीमे का ज्ञान दे रहा होगा। हाँ मुझे भी यही लगता है। चार्ली ओफो क्या हुआ एंडी, तुम्हें दिखता नहीं, मैं उसे डेथ नोट के बारे में बता रहा हूँ। हाय, वीडियो का टाइटल देख के शायद तुम लोग मुझे मारने वाले हो, मगर मैं पहले ही बता दूं, मैं कोई एनीमे को हेट नहीं करता हूँ। मैं बस उसके बारे में आज बात करूंगा जो कि तुम्हें ऑफेंडिंग लग सकती है। अरे यार भाई, तो तू ये बताना तेरे को मारना है कि नहीं मारना है। अबे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने मेरा पहला एनीमे देख के कंप्लीट करा है। यस डेथ नोट, आई ईट द पोटैटो चिप। मुझे बड़ा सही लगता है ये डायलॉग, बट सच बताओ तो डेथ नोट मेरा पहला एनीमे नहीं था। मेरा पहला एनीमे था टोक्यो घोल। टोक्यो घोल, इसमें घोल्स होते हैं और इंसान होते हैं। घोल्स में कुछ कूल शक्तियां होती है और उन्हें इंसान खाना पसंद है, और दूसरी तरफ हमारे इंसान जो कि ये कुछ नहीं करते हैं। अगर घोल्स को इंसानों की भूख लगती है तो उनकी आंखें लाल हो जाती है और वो पागल हो जाते हैं। ओए सुन, ये ले स्निकर्स खा। क्यों? क्योंकि जब भी तुझे अंदर से भूख लगती है तो चल कोई बात नहीं, तो मैं बता रहा था ये जो स्नीकर। टोक्यो घोल के बाद भी मुझे ऐसा कोई एनिमे से एडिक्शन नहीं हुआ कि मैं ऐसा मांगा मांगा भी पढ़ना स्टार्ट कर दूं। पापा मुझे मांगा दिला दो। मैं ना फिर जैपनीश बोलूंगा, जैपनीश। चले गवार, हिंदी में तो नंबर आते नहीं, जैपनीश बोलूंगा। अरे साकुराजा नंदताई। और सुन जरा, वो अंदर से ठंडा पानी लाके दे तो। जी पापा जी।